चलते हैं इन्वर्टर के सामने, इन्वर्टर में दिखाते हैं। पीवी का है और एक इन्वर्टर जो है हमारा 50 किलोवाट का, तो टोटल जो है 50-50 100 किलोवाट का दो इन्वर्टर लगा हुआ है। 65 मीटर उधर हो चाहे इधर हो या इस तरफ हो, कहीं भी हो, 65 मीटर जो है ये कवर करता है। तो फाइनली 100 किलोवाट का काम किस तरह से होता है, कैसे होता है, वायरिंग कैसे होता है, इन्वर्टर कहाँ पे कैसे लगता है, कनेक्शन वगैरह सारा कुछ आज हम लोग दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है और एक नए वीडियो में। सो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं 100 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन देखने के लिए और कुछ सीखने के लिए। यहाँ पे हम लोग का काफी दिनों पहले आप स्ट्रक्चर देखे होंगे कि 100 किलोवाट का जो स्ट्रक्चर को हम लोग इंस्टॉल किए थे वो किस तरह से किए थे। तो फाइनली आज जो हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनली 100 किलोवाट का काम किस तरह से होता है, कैसे होता है, वायरिंग कैसे होता है, इन्वर्टर कहाँ पे कैसे लगता है, कनेक्शन वगैरह सारा कुछ आज हम लोग दिखाएंगे। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दे ताकि मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो दोस्तों, ये जो आपको सोलर पैनल दिख रहा है दोस्तों, ये 545 वाट का जो है मोनो सोलर पैनल है जो कि हाफ कट सोलर पैनल है। और इस सोलर पैनल का कंपनी का नाम है दोस्तों, नाम है रिजोन। तो रिजोन का है ये 545 वाट का सोलर पैनल, जिसका सोलर पैनल की वाटेज की बात करें तो दोस्तों सोलर पैनल का वाटेज जो है वो 545 वाट का है। इसका वोल्टेज की अगर बात करें दोस्तों तो 49.92 वोल्ट जो है सोलर पैनल का वोल्टेज है। अगर दोस्तों इसका एम्पियर की बात करें तो दोस्तों ये जो है 13 एम्पियर जो है ये जनरेट करके देती है। तो दोस्तों यहाँ पे टोटली हमारा जो है 185 जो है सोलर पैनल लगा है, 185 सोलर पैनल टोटल लगा है। और इन्वर्टर यहाँ पे दोस्तों हमारा जो है 50-50 किलोवाट का दो इन्वर्टर लगा है, जिससे हमारा 100 किलोवाट का जो है सिस्टम हम लोग उसको बनाए हैं। तो ये दोस्तों हमारा जो है टोटल 185 सोलर पैनल है। तो उसका कनेक्शन कैसे किया है चलिए उसके बारे में जानते हैं प्रोसेस वाइज। तो पहले आपने देख चुका है कि स्ट्रक्चर जो हमारा ये एंगल का था जो कि हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड है, और एक स्ट्रक्चर पे दोस्तों हमारा जो है 5 सोलर पैनल लगा हुआ है। तो टोटली आप इधर भी देख सकते हैं जो है सोलर पैनल लगा हुआ है, और उस साइड में भी आप जो है देख सकते हैं, उधर में भी जो है सोलर पैनल को लगाया गया है। और अर्थिंग का जो दोस्तों काम हुआ है, स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर जो लिंक किया गया, बॉडी अर्थ किया गया, वो स्ट्रिप से हुआ है इस तरह से। ये 25-5 का जो है स्ट्रिप है, मतलब 25 mm जो है वो चौड़ाई है, और उसका थिकनेस की अगर बात करें दोस्तों तो 5 mm थिकनेस है। और इसमें जितना भी स्ट्रिंग बना है दोस्तों, ये 4 square mm का वायर से जो है ये स्ट्रिंग बना है, ये 4 square mm का वायर है। और ये वायर का अगर मैक की बात करें दोस्तों तो ये पॉलीकैब का जो है वायर है, और यहाँ पे प्रॉपर ड्रेसिंग करके जो है केबल टाइप वगैरह मारा गया है, और केबल ट्रैक थ्रू से जो है इसके माध्यम से हम लोग इन्वर्टर तक जो है वायर सबको लेके गए हैं। तो इस प्लांट का जो वायरिंग हुआ दोस्तों, यहाँ पे टोटल हमारा जो है दो इन्वर्टर है और 185 सोलर पैनल है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, आप भी अगर इस तरह का सोलर पैनल को या 50-50 किलोवाट का दो इन्वर्टर को लगाते हैं तो जो है आपको दोनों इन्वर्टर में आधा आधा सोलर पैनल को जो है दोनों में डिवाइड करना है ना। मान के चलिए 185 सोलर पैनल है या 180 सोलर पैनल है, तो 90-90 सोलर पैनल जो है दोनों में ही आपको बांटना पड़ेगा। या 180 सोलर पैनल लगाए हैं तो 90-90 सोलर पैनल जो है आपको बांटना पड़ेगा। अब दोस्तों उसमें आप जो है 10 का भी अगर 10-10 का सीरीज करते हैं तो आपका टोटल जो है 9 स्ट्रिंग बन, 15-15 का करते हैं दोस्तों तो टोटल जो है 6 स्ट्रिंग बनता है। तो आप इसमें जो है 6 स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, 9 स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, और टोटल जो है हम लोग यहाँ पे इस वाले साइड पे जो है एक इन्वर्टर पे जो है 6 स्ट्रिंग दिए हैं, एक वाले इन्वर्टर पे जो है 9 स्ट्रिंग दिए हैं। तो यहाँ पे जो भी केबल ट्रे का यूज हुआ वो 100 का है, और ये जो केबल ट्रे दोस्तों ये 50 का है। यहाँ पे जो है काम कंप्लीट हो चुका है, आपको पैनल जो है उधर में भी दिखेगा और पैनल जो है इधर भी है, बीच वाला जो स्पेस है वो खाली है, और यहाँ पे कैनोपी बन रहता है, इसीलिए जो है यहाँ पे टाइम लग गया क्योंकि इन लोगों का काम जो है करीबन
डेढ़ महीना के आसपास जो है लोग डेढ़ से दो महीना काम किए, बीच में हमारा काम जो है पेंडिंग था, इसीलिए जो है काफ़ी समय लग गया। स्ट्रक्चर हम लोग रेडी कर दिए थे मगर पैनल वगैरह को नहीं किए थे काम और ना ही वायरिंग वगैरह हुआ था। और जो उसका लेग है दोस्तों, ये 400 बाय 400 का ढलाई किया गया है, तो लेग वगैरह का देख सकते हैं प्रॉपर ढलाई हुआ है। और हर बॉडी पे स्ट्रक्चर का बॉडी पे आपको जो है बॉडी अर्थ जो है दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं बॉडी जो है अटैच किया गया है। और इधर में दोस्तों पैनल का हमारा जो है काम जो है साइड का तो ख़त्म हो चुका है, इधर एक ट्रेल टेबल लगा सकते थे बट यहाँ पे इसका जो है प्रॉब्लम करता है ये दीवार, इधर आने जाने के लिए स्पेस भी नहीं होता इसीलिए इधर पे नहीं लगाया। और बाकी दोस्तों इधर पे हम लोग लगाए हैं पैनल, टोटल 8 टेबल है इधर पे भी देख सकते हैं। और पैनल जो अभी गंदा है ये, इस पे देख सकते हैं लियर बैठ गया, अभी जनरेट जो है नहीं किया, अभी सुबह के या दोपहर के जो है 12 बजने जा रहा है और ये लगभग जो है 100 किलोवाट जो है ये जनरेट कर चुका है, एक इन्वर्टर 100 किलोवाट आवर जो है ये जनरेट कर चुका है। और ये पैनल इधर भी है और हमारा जो स्ट्रिंग बना है दोस्तों सारा केबल ट्रे से होते हुए लेके गए हैं। अब फाइनली इधर का जो है हमारा काम कंप्लीट हो चुका था, डन हो चुका है, अब यहाँ पे हम लोग को जो है हैंड ओवर देना है। और ऊपर में दोस्तों आपको जो लाइटिंग एरेस्टर दिख रहा है, ये लाइटिंग एरेस्टर जो है 65 मीटर्स का रेडियस को जो है ये ऑब्जर्व करता है, टोटल जो है 65 मीटर जो है अगर बिजली कहीं गिरता है 65 मीटर उधर हो चाहे इधर हो या इस तरफ हो कहीं भी हो 65 मीटर जो है ये कवर करता है। तो ये लाइटिंग एरेस्टर जो आपको दिखेगा, यहाँ पे लाइटिंग एरेस्टर दोस्तों एक ही है, अर्थिंग जो है टोटल दोस्तों यहाँ पे 3 अर्थिंग है, एक इन्वर्टर का बॉडी अर्थ के लिए, एक आपका लाइटिंग एरेस्टर के लिए और एक दोस्तों स्ट्रक्चर का जो बॉडी अर्थ है उसके लिए, सोलर पैनल का स्ट्रक्चर का। अब जो भी अर्थिंग हुआ दोस्तों सब में जो है दो दो पीट बना, मतलब दो पीट का एक अर्थिंग। अब चलते हैं इन्वर्टर के सामने, इन्वर्टर में दिखाते हैं। अब दोस्तों ये जो साइड से हमारा केबल ट्रे पार हुआ, ये केबल ट्रे जो है अभी प्रॉपर ये लगा नहीं है क्योंकि यहाँ पे नीचे जो है ब्लॉक वगैरह बनेगा, क्योंकि अभी ईंटा जो है इसको ईंटा से टेम्पररी इसको हाइड करके रखा है, यहाँ पे प्रॉपर फिनिशिंग अभी जो है इस एरिया का काम बचा हुआ है, इसका फिनिशिंग वर्क होगा। आपको मैं दिखाना चाहता था इसका पूरा कनेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा इस जो इन्वर्टर है दोस्तों एबीबी का है और एक इन्वर्टर जो है हमारा 50 किलोवाट का, तो टोटल जो है 50-50 100 किलोवाट का दो इन्वर्टर लगा हुआ है। सो एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को जो है अभी खोलते हैं, तो इसको जो है इसका की आता है, तो की को जो है इसको ओपन करना होता है, इसको इस तरह से जो है ओपन करना है, ये खुल गया। ये खुल गया, तो अभी वो एसीडीबी बॉक्स जो है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा RYB है, रेड येलो ब्लू एंड ब्लैक, रेड येलो ब्लू एंड ब्लैक। तो ये जो है टोटल यहाँ पे 3 फेज है और एक न्यूट्रल है, ठीक है। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, इधर में SPD लगा हुआ है। तो आपको यहाँ पे जो दो MCC भी दिख रहा है, ये हमारा जो वायर आया है दोस्तों, ये वायर जो गया है ये इन्वर्टर पे गया है और ये वायर जो है ये 25 square mm का है। और ये जो वायर है दोस्तों जो ग्रिड का मेन लाइन है जो, ये हमारा 95 square mm का वायर है, ये 95 का है। और इधर में हम लोग अभी जो है इस पर हम लोग SPD में कनेक्ट करने वाले हैं, जो इसका अर्थ होगा वो है हमारा 16 square mm का वायर। और इस तरह से जो है हमारा SCDV बॉक्स का कनेक्शन हो चुका है। और यहाँ पे जो है काफ़ी दिनों से जो इंस्टॉल हो रहा था, बीच में यहाँ पे काम जो है रुक गया था, पेंडिंग था, तो इस वजह से आपको जो है प्रॉपर आपको वीडियो बना के नहीं दिखा पाए क्योंकि यहाँ पे रुक रुक के काम हो रहा था और काफ़ी समय जो है इस सिस्टम को लगाने में हमको लग गया है। तो अभी जो है इसका फाइनल कनेक्शन आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये हमारा SCDV बॉक्स है, SCDV बॉक्स का कनेक्शन हम आपको समझ में आ गया होगा, ये इनपुट आया है SCDV का,
ये जो वायर दिख रहा है चार वायर, रेड येलो ब्लू एंड ब्लैक, ये हमारे ग्रिड का पावर आया हुआ है, ये ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए है। और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दोस्तों MCCB में, और इस MCCB में ये पहला एक इन्वर्टर के लिए, ये दूसरा इन्वर्टर के लिए। तो यहाँ से जो है 25 का वायर गया है इन्वर्टर पे। अब चलते हैं इन्वर्टर पे, आपको दिखाते हैं कि इन्वर्टर पे जो है कैसे कनेक्ट हुआ है। तो अभी ये इधर, और जितना भी काम हुआ दोस्तों इधर केबल ट्रे पे हुआ, जितना भी वायर वगैरह गया इधर केबल ट्रे से होते हुए आया है, इस तरह से जो है केबल ट्रे गया है इस तरह से। और इन्वर्टर जो है हमारा दोस्तों यहाँ पे दो इन्वर्टर है, जो कि ABB कंपनी का इन्वर्टर है, आप देख सकते हैं ये ABB कंपनी का है, आपको ABB कंपनी का दिख रहा होगा। अब इसको भी हम लोग खोलते हैं और इसका कनेक्शन का जो है समझते हैं। तो इसको भी अभी खोल लेते हैं फटाफट से। इन्वर्टर जो है अभी रनिंग कंडीशन में है दोनों ही इन्वर्टर, तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्वर्टर खुलने के बाद जो है कुछ इस तरह से दिख रहा है। और यहाँ पे जो आपको वायर दिख रहा है दोस्तों रेड येलो एंड ब्लू एंड ब्लैक, तीनों वायर जो है यहाँ पे आके कनेक्ट हुआ 25 का। और अपना जो सोलर का वायर है दोस्तों यहाँ पे नीचे कनेक्टर लगा हुआ है, और जितने भी स्ट्रिंग है दोस्तों सब में जो है नंबर वाइज किया गया है, ताकि आपको जो है आइडेंटिफाई करने में आसान होगा कि कौन सा स्ट्रिंग में हमारा जो है प्रॉब्लम है, और ताकि आसानी से आप जो है कोई भी स्ट्रिंग को खोज पाए। तो इस तरह से यहाँ का कनेक्शन होता है इन्वर्टर का, सेम एज इट इज़ जो है दूसरे इन्वर्टर पे भी जो है इसी तरह से जो है कनेक्ट हुआ है। आपको चलते हैं दूसरे इन्वर्टर पे, और यहाँ पे जो भी अर्थिंग का काम हुआ दोस्तों स्ट्रिप में हुआ, देख सकते हैं 25-5 का जो है स्ट्रिप है, ये 25-5 का स्ट्रिप है। अब इस इन्वर्टर में देखिए ये सिस्टम जो है अभी ऑन है, ये दूसरा वाला इन्वर्टर है, और इसको जो है इस तरह से खोलते हैं, और ये कितना जनरेट कर रहा है इसका जो है आपको नहीं दिखेगा इसका डिस्प्ले में, इसके लिए आपको जो है मोबाइल से कनेक्ट करना होता है। और मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए आपको जो वाईफाई का ज़रूरत पड़ेगा, वाईफाई से जो है कनेक्ट होता है, इसका पासवर्ड वगैरह दिया जाता है तो उससे जो है कनेक्ट होता है। तो इस बॉक्स को भी खोलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये इन्वर्टर भी जो है हमारा भी रनिंग है दोस्तों। और ये जो सिस्टम है दोस्तों ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, देख सकते हैं नीचे में यहाँ पे हमारा जो 25 स्क्वायर mm का जो वायर आया हुआ है वो यहाँ पे आके हमारा कनेक्ट हुआ है, जो ग्रिड का इनपुट आउटपुट। ऑन ग्रिड में दोस्तों इनपुट भी वही होता है, आउटपुट भी वही होता है, क्योंकि ये जाके ग्रिड से कनेक्ट हो जाता है। तो और एज इट इज़ जो पहला इन्वर्टर में जैसे कनेक्ट था MC4 कनेक्टर, उसी तरह से जो है यहाँ पे भी टोटल कनेक्ट किया है। और सोलर पैनल का कनेक्शन वगैरह तो आपको समझ में आ ही गया होगा, नहीं करना है। और यहाँ पे एक ग्लास भी दिया गया है ताकि कोई भी डायरेक्टली जो है इस पर हाथ ना लगाए, तो सेफ्टी को भी इस पर ध्यान रखा गया है। और दोस्तों इन्वर्टर में यहाँ पे आपको ABB का ब्रांडिंग दिखेगा, और इधर में आपको वाईफाई का जो है यहाँ पे आपको जो वाईफाई का क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, इसको क्या बोलते भूल गए हैं। और इधर में दोस्तों इसका अर्थिंग जो है यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, बॉडी अर्थ जो है, और यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का स्विच मिलेगा। अभी ये ऑन है, इधर जीरो पे कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, मतलब रेड के साइड पे करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। अब आते हैं इन्वर्टर का डिटेल्स पे, तो यहाँ पे आपको इन्वर्टर का जो है डिटेल्स दिखेगा, VDC ऑपरेटिंग रेंज जो है वो 300 से 950 है, VDC MPP जो है वो 480 से 800 है, VDC मैक्सिमम आप इसमें जो है 1000 वोल्ट तक दे सकते हैं, DC 108 एम्पियर। और यहाँ पे सीरियल नंबर मॉडल नंबर वगैरह मिलेगा पैनल पे जो है। अभी एक परत बैठा हुआ है, ये पेंट हुआ था बगल में, ये जो कैनोपी बना है इसका पेंट वगैरह जो है लगा था, इसीलिए जो है यहाँ पे एक परत बना हुआ है। तो इसको जो है अच्छा से इसको क्लीन करना है, जिससे हमारा जो जनरेट कर रहा बिजली वो थोड़ा और ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, और थोड़ा और ज़्यादा जो है बिजली जनरेट भी करेगा। तो जितने भी पैनल है सब पे जो है पेंट का धब्बा इस तरह से पड़ा है, तो सबको जो है क्लीन करना, देख सकते हैं ये एक मोटा सा परत बैठ गया, इससे जो इफेक्ट पड़ता है बिजली का जनरेशन में, ये जनरेट जो है प्रॉपर जो है ये जनरेट नहीं करता है।
इस तरह से देख सकते हैं कितना गंदा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा गंदा है, नाखून से साफ करना पड़ रहा है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो से बहुत कुछ जाने होंगे। तो वायर जो है, हम लोग कौन सा कितना स्क्वायर एमएम का वायर को यूज किया है, लाइटिंग अरेस्टर कौन सा यूज किया है, या कनेक्शन हम लोग यहाँ पे कैसे किए हैं, सारा कुछ आपको हम एक्सप्लेन करके बताएं। सो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।